कभी पटना तो कभी गया, तो कभी भागलपुर तो कभी समस्तीपुर, कभी पेड़ लगाते हुए तो कभी शादी में, और जन्मदिन पर पौधे गिफ्ट करते हुए। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये व्यक्ति पीठ पर पौधे और नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स शायद आपको पागल लग रहा होगा, लेकिन इस शख्स के कारनामे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये व्यक्ति, बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस व्यक्ति ने विदेश मंत्रालय के ऐसो आराम वाले जॉब को छोड़कर आखिर क्यों हर जगह पौधे लगाने की सोच रखी है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम राजेश कुमार सुमन है। सेल्फी विद ट्रीमैन के फाउंडर और ट्रीमैन के नाम से मशहूर राजेश कुमार सुमन समस्तीपुर का रहने वाला है। मुंबई में सरकारी नौकरी कर रहे राजेश कुमार सुमन यूं तो काफी खुश थे, लेकिन एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि गांव के बच्चों को क्यों ना शिक्षा दी जाए, और इसीलिए राजेश ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और बच्चों को शिक्षा देने के लिए निकल पड़े। राजेश कुमार सुमन धुन के पक्के थे और उनकी चाहत थी कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, जिसके लिए उन्होंने सेल्फी विद ट्री मुहिम की शुरुआत की। हर जिले में जाकर बेटी के नाम पर पौधे लगाने का मुहिम भी शुरू किया। साथ ही पीठ पर पौधे लगाकर लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से पेड़ हमारे लिए जरूरी है। साथ ही इस मुहिम में मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा था। इसके अलावा वो लोगों को स्वच्छता का भी संदेश देते नजर आए। मैं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट राजेश कुमार सुमन पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सेल्फी विद ट्री कैंपेन और ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब चला रहा हूं। इसके द्वारा सेल्फी विद ट्री कैंपेन के माध्यम से मैं गांव-गांव में जाकर आमजनों को जागरूक करता हूं पौधरोपण करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, जलवायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर मैं गांव-गांव में, शहर शहर में नुक्कड़ पर जाता हूं और लोगों को जागरूक करता हूं। ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के माध्यम से मैं बच्चों को विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करवाता हूं और फीस के रूप में प्रत्येक बच्चों से 18 पौधरोपण करवाता हूं। आप कहेंगे 18 है क्यों? क्योंकि हम लोग जो है पूरे लाइन में 18 पौधा जितना ओटू जनरेट करती है उतना हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए मैं प्रत्येक बच्चों से 18 पौधरोपण करवाता हूं। अब तक मैं अपने पूरे जीवन काल में 1,00,000 से अधिक पौधरोपण कर चुका हूं। मैं अपने जन्मदिन पर श्मशान घाट में जाकर पौधरोपण करता हूं। मैं जब 6-7 साल का था उसी समय से मेरे फादर पौधरोपण करवाना शुरू किया था, उसी समय से मैं पौधरोपण करते आ रहा हूं। इस दरमियान मैं पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे विदेश मंत्रालय में जॉब भी लगी थी, लेकिन इन्वायरमेंट के प्रति मुझे ज़्यादा रुझान था अपने बिहार के लिए, चूँकि बिहार में 8.5% वन है, इसीलिए मैं वहाँ से बैक हो गया। और बैक होने के बाद मैं यहाँ पर आकर बिहार में, बिहार के बाहर भी जाकर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। खास करके मैं अवेयरनेस के लिए मैं एक सांकेतिक डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। मेरे पीठ पर एक जार लगी होती है, 20 लीटर वाली पानी की जार होती है, उस जार में एक पौधा होता है और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है और मास्क के द्वारा मेरे नाकों तक आ रही है। इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से मैं लोगों को बताता हूँ कि आप चेत जाओ, आप संभल जाओ, नहीं तो आने वाले समय में शुद्ध प्राणवायु की कमी होगी, जिससे हमारे और हमारे बच्चों को शुद्ध प्राणवायु कमी होगी, जिससे हमें कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना होगा। तो मैं उस समय सांकेतिक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को बताता हूँ आप चेत जाओ, नहीं तो आने वाले समय में हमें भी कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना होगा। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। मेरा मोटो है कि जन्मदिन पर और शादी के सालगिरह के अवसर पर पौधरोपण करने के संस्कार विकसित हो, तमाम लोगों को पौधरोपण करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है।